ब्लैक मैजिक एक ऐसी चीज है जिसे अच्छे और बुरे दोनों कामों में यूज किया जाता है, लेकिन बुरे कामों में यूज किया गया ब्लैक मैजिक किस हद तक जा सकता है आज की कहानी में हमको यही पता चलेगा। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मूवी की शुरुआत में हम हैन को देखते हैं जो कि अपने बचपन में एक अनाथ आश्रम में रहा करता था और इसीलिए वो अपनी वाइफ नाडिया और अपने बच्चे केस्पी, रेनी और हेस्की के साथ में फिर से उस अनाथ आश्रम में जा रहा था। तभी उनकी कार की टक्कर किसी चीज से हो जाती है और वे लोग बाहर आकर देखते हैं तो उनको एक हिरण मिलती है, लेकिन उसके पास ही में एक लड़की भी घायल पड़ी थी। उनकी नजर उस पर नहीं जाती है और वो लोग कार से वहां से चले जाते हैं। अब शाम तक वे सभी अनाथ आश्रम तक आ जाते हैं। वहां पर हैन अपने बचपन के दोस्त ममन से मिलता है और ममन अब अनाथ आश्रम की देखभाल करता था। मैमम की शादी अनाथ आश्रम में रहने वाली ही एक लड़की सिटी से हो गई थी। वहां पर अनाथ आश्रम के उनके पुराने दोस्त एंटन और उसकी वाइफ इवा, एक और दोस्त जेफरी और उसकी वाइफ लीना आते हैं। सभी एक दूसरे से जान पहचान करने लगते हैं और मैमन हेम से कहता है कि दोनों बच्चों के अलावा बाकी सभी बच्चे से एक ट्रिप पर गए हैं। फिर हेम वो नायडा उनके केयर टेकर मिस्टर बेनी से मिलने जाते हैं जो कि अभी बीमार थे, लेकिन वे नाडिया को अजीब तरीके से देख रहे थे। सभी बच्चे जब एक साथ बातें कर रहे थे तब टीना एंड्रू से ग्रीन दरवाजे के रूम के बारे में पूछती है। एंड्रू उसे बताता है कि वो रूम सालों से बंद है और फिर है कि उस रूम के पास जाकर उसे ओपन करने की कोशिश करता है। तभी उसके पास में रोनी आकर कहती है कि एक मार्सी नाम की लड़की के पीछे डीमन पड़ गया था जिसके बाद वो अनाथ आश्रम से भाग गई थी, लेकिन उसे पकड़कर इस रूम में बंद कर दिया गया था और वहीं पर मारी गई थी। रात को ये सभी मिलकर पुराने फोटोज के एल्बम देखते हैं और हैकी को एक अलमारी के नीचे एक और एल्बम मिलता है जिसके सारे फोटोज उल्टे लगाए हुए थे। हैन भी उनमें से एक फोटो को देखकर ये कहता है कि वो उन लोगों की टीचर मिस मैरी है। हैकी उनसे पूछता है कि ये वही मैरी है जिसको रूम में बंद करके मारा गया था, और एंटनी इस बात को झूठा बताकर कहता है कि मैरी बीमारी से मरी थी। उस फोटो की दूसरी लड़की मार्नी एक दिन अचानक गायब हो गई थी जो कि उनकी दोस्त भी थी। कुछ समय के बाद में हैन को उसके कार में एक कपड़े का टुकड़ा और कुछ बाल मिलते हैं और तब उनको शक होता है कि उन्होंने गलती से किसी लड़की को कार से टक्कर तो नहीं मार दी है। हैन जेफरी के साथ उसी जगह पर जाता है और वहां पर उनको वही लड़की मिलती है। वे दोनों उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गए थे। तभी हैन को एक बस दिखता है और बस के अंदर बच्चे की लाश पड़ी थी जिसकी बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। दोनों इसे देखकर बहुत डर गए थे और उनके फोन में नेटवर्क भी नहीं था। दोनों अनाथ आश्रम वापस जाकर वहां से पुलिस को कॉल करने का डिसाइड करते हैं और इधर अनाथ आश्रम में नाडिया ये नोटिस करती है कि वहां का फोन खराब है। लीना के अलावा सभी वहां पर डिनर कर रहे थे और रेनी हैकी को एक वीडियो दिखाने ले जाती है। उस वीडियो में मिस मेरी थी, लेकिन रेनी उस वीडियो को आधे में ही बंद कर देती है ताकि हैकी डर न जाए। इधर हैन और जेफरी अनाथ आश्रम में वापस आ जाते हैं और उनको डरा हुआ देखकर एंटन उनसे इसका कारण पूछता है। तभी एंटन को कार में वही एक्सीडेंट वाली लड़की की बॉडी मिलती है और वे दोनों ये सारी बात एंटन को बताते हैं और वहां के सभी फोन काम नहीं कर रहे थे। तब एंटन डिसाइड करता है कि पहले वो उस बस के पास जाकर सब कुछ देखेगा और पास के पुलिस स्टेशन में जाएगा। घर के अंदर कैस्पी और रोनी बातें कर रहे थे कि ये रूम पहले एक बाथरूम हुआ करता था, लेकिन डरावनी आवाजें और किसी के कदमों की आहट सुनाई देने की वजह से उस बाथरूम को तोड़कर एक रूम बना दिया गया। इधर एंटन उस बस तक आकर बस के अंदर जाकर वो देखता है कि सभी मरे हुए बच्चे उसकी तरफ उल्टा मुंह करके खड़े हैं और तभी बस का डोर अचानक से बंद हो जाता है और बस के बाहर एक औरत उसकी तरफ देखी जा रही थी। बस के अंदर गलती से एंटन के पैरों से एक अंडा टूट जाता है जिसमें से बहुत सारे कीड़े निकलते हैं जो कि एंटन को नोच नोच कर खा जाते हैं और उसी की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर इस तरफ नाडिया हैन से पूछने जाती है कि वे सभी घर पर वापस कब जाएंगे और तभी ऊपर एक मरा हुआ चिकन आकर डाइनिंग टेबल पर गिरता है। दोनों देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और ऐसा लग रहा था जैसे कि उस मुर्गी के जरिए किसी ने उन पर ब्लैक मैजिक किया हो। इस तरफ लीना जेफरी के साथ में रोमांटिक हो रही थी, लेकिन वो उसे खुद से दूर कर देता है और खुद ही इन घटनाओं में बहुत ज्यादा उलझा हुआ था। लीना इन दोनों खुद के बढ़ते हुए वजन की वजह से अपने हार्मोन का ट्रीटमेंट ले रही थी और जब रूम के बाहर जाती है तो उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो उन आवाजों की तरफ जाने लगती है। उसे सामने फ्रूट्स और एक चाकू दिखता है और वो फ्रूट्स को खाने लगी थी। उस समय वो एक आईने के सामने खड़ी थी और इवा जब अपने रूम में सो रही थी तो कुछ सेंटीपीड उसके बेड पर गिरते हैं और जल्दी से उसके कपड़े और उसके मुंह में घुस जाते हैं। इस तरफ लीना उस चाकू से अपनी स्किन को काट रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका फैट और उसका वजन कम हो रहा है, लेकिन असलियत में वो खुद को चोट पहुंचा रही थी।
जेफरी वहां पर लीना को इस हालत में देखकर शॉक्ड हो जाता है। लीना का होश आता है तो देखती है कि वो खुद के साथ में क्या कर रही है और ये देखकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। हेन और नाडिया वे लीना को हॉस्पिटल में ले जाने वाले थे कि तभी वहां पर ईवा आकर उनसे मदद मांगती है, क्योंकि वो सेंटीपीड उसके गले में फंसा हुआ था और इस वजह से वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। फिर अचानक से वो खून की उल्टियां करने लगती है जिसमें से बहुत सारे सेंटीपीड निकलते हैं और बहुत सारे सेंटीपीड उसकी स्किन के अंदर भी चल रहे थे। वो अपने नाखूनों से अपनी स्किन को फाड़ने लगती है और कुछ ही समय में दर्द की वजह से वो बेहोश हो जाती है। वे सभी लीना को लेकर हॉस्पिटल जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन कुछ ही समय में वो नोटिस करते हैं कि वो एक जगह पर एक ही बार 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 घूम रहे हैं। जेफरी कहने लगता है कि ये फिर से हो रहा है, मतलब जेफरी को पहले से ही कुछ न कुछ पता था। नाडिया के पूछने पर हेन बताता है कि 25 साल पहले अनाथ आश्रम के कुछ रूम में आग लगी थी जिसमें 5 लड़कियां मारी गई थी और उनको पता चला था कि मिस मेरी ब्लैक मैजिक क्या करती थी और उसी ने उन लड़कियों को जलाकर उनकी बलि दी थी। वे सभी वहां से डरकर भाग रहे थे, लेकिन उस समय भी उनके साथ में यही हो रहा था कि वो जितने बार भी भाग रहे थे वो घूमकर एक जगह पर आ रहे थे। और तब मिस्टर बोनी ने उनकी मदद से मिस मेरी को एक रूम में बंद कर दिया था। मिस मेरी बार बार अपने सर को दीवार पर मार रही थी और उससे उसकी मौत हो गई थी। तब उन लोगों ने मिस मेरी को उनके रूम में ही दफना दिया था। इधर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि कोई शक्ति केएसपी को कंट्रोल करके उसके हाथों से उसके मुंह को स्टेपलर लगा रही है। और इधर हैकी मिस मेरी की वही वीडियो टेप देख रहा था, तभी उस वीडियो में हैकी के पास में मिस मेरी आती हुई दिखाई देती है और पीछे मुड़ने पर उसे कोई दिखाई नहीं देता है, लेकिन मिस मेरी उसे टीवी पर नजर आती है। वो डर के उस रूम से निकलता है और बाहर उसे केएसपी नजर आता है जिसका मुंह स्टेपलर से बंद किया गया था और कोई अनजान शक्ति केएसपी को मजबूर करती है कि वो हैकी को गोली मार दे। इधर वे सभी फिर से अनाथ आश्रम में वापस आते हैं और नाइडा अपने बच्चों को ढूंढने लगती है। नाइडा को हैकी कहीं नहीं मिल रहा था और हैन यहाँ पर मेमेन को बता देता है कि अनाथ आश्रम के बाकी बच्चे बस में मारे जा चुके हैं। जेफरी को भी लीना कार में नहीं मिलती है और लीना को वो कार में कुछ दूरी पर दिखाई देती है। लीना वहाँ पर सेंटीपीड खा रही थी और ये देखकर जेफरी के भी होश उड़ गए थे। लीना अपने होश में आने पर ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और बेहोश हो जाती है। घर के अंदर नाडिया एक औरत को मिस्टर बेनी के बेड के नीचे जाता हुआ देखती है और चेक करने पर वहाँ पर उसे एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स में कुछ छोटी बच्चियों के बुरे बुरे फोटोज थे जिनको मिस्टर बोनी ने ही खींचा हुआ था। मिस्टर बोनी गुस्से से नाइडा को देख रहा था। नाडिया वो फोटोज हैन को दिखाकर उन लड़कियों के बारे में पूछती है और ये सभी हैन के बचपन की दोस्त थी। मिस्टर बेनी उन लड़कियों को एब्यूज करके उनकी गंदी गंदी फोटोज खींचता था और अब नाडिया को समझ आता है कि मिस मेरी असल में उन लड़कियों को बचा रही थी। उस इल्जाम से बचने के लिए मिस्टर बेनी ने मिस मेरी को झूठे इल्जाम में फंसाकर मरवा दिया था और इन सभी की वजह से कोई है जो कि उनसे बदला ले रहा था। हैन को भी समझ आता है कि उनको यहाँ पर मेमेन और सीटी ने बुलाया था। लीना को हॉस्पिटल में जाना बहुत जरूरी था, लेकिन वहाँ पर सभी इस जगह को छोड़कर निकल ही नहीं पा रहे थे। जेफरी को भी मेमेन और सीटी ने ही यहाँ पर बुलाया था और तब वे सभी मेमन को मार पीट कर उससे पूछते हैं कि उन लोगों ने उनको यहाँ पर क्यों बुलाया है। यहाँ पर सिटी ये बताती है कि मिस्टर बेनी उन लड़कियों को मोलेस्ट कर रहा था और सच्चाई बाहर न आए इसलिए उसने सभी लड़कियों को जलाकर मार दिया था। मिस मेरी तो यहाँ पर लड़कियों को प्रोटेक्ट कर रही थी और ब्लैक मैजिक से वो मिस्टर बोनी को मारने वाली थी, लेकिन मिस मेरी पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्होंने उसे मरवा दिया। अचानक से वही लड़की घर के अंदर आती है जिसकी टक्कर हैन की कार से हुई थी। उसके अनुसार अनंत आश्रम आते समय उनकी बस सड़क से हट गई थी और उससे उनका एक्सीडेंट हो गया था। बस के अंदर एक औरत आती है जिसके मंत्र पढ़ते ही सब बच्चे पजेस्ट होकर खुद को ही मारने लगे थे, लेकिन वो हेडफोन में तेज वॉल्यूम पर गाना सुन रही थी तो वो पजेस्ट नहीं हुई थी और इसीलिए वो फौरन उस बस से निकल गई थी और भाग गई थी। लेकिन तभी उस समय हैन की कार से उसकी टक्कर हो गई और फिर गुस्से में हैन मिस्टर बेनी का गला दबाकर उसे मारने ही वाला था, लेकिन नाडिया उसे रोककर समझाती है कि उनको बच्चों को लेकर यहाँ से निकलना चाहिए। हैन को एक फोटो देखकर ये समझ आता है कि मिस्टर मेरी की एक बेटी थी मारनी और अपनी माँ का बदला लेने के लिए वही ये सब कर रही थी। तभी वहां पर कैस्पी और हैकी आते हैं जो कि बुरी तरीके से इंजर्ड थे, तो वे सभी वहां से निकलने के लिए कार की तरफ जाते हैं। अचानक से वहां पर पजेस्ट होकर ईवा यही है कि किसी अपने को खोने का दुख अब तुम लोगों को यहां पर पता चलेगा और फिर वो पजेशन से बाहर आती है और खुद को कार के ग्लास से मारने लगती है। हैन मारनी को यह सब बंद करने को कहता है और मारनी हवा में ऊपर उड़कर कार के ऊपर आती है और वो हैन को तकलीफ पहुंचाने लगती है। नाडिया मारनी को रोकने के लिए जाती है, लेकिन रेंसी उसे मारकर बेहोश कर देती है।
नाडिया को जब होश आता है तो वह सभी लोगों की चीखें सुनती है और इवा के शरीर से कीड़े निकल रहे थे। जेफरी का शरीर भी टेढ़ा मेढ़ा होकर उसके सभी हड्डियां टूटने लगती है और एक रूम में बाकी के लोग एक जगह से हिल ही नहीं पा रहे थे और उनके शरीर पर उबलता हुआ गर्म पानी डाला जा रहा था जिससे कि वे सभी मर जाते हैं। नाडिया बहुत ज्यादा रोती है और वो चाहकर भी किसी की मदद नहीं कर पा रही थी। वो दूसरे रूम में देखती है कि केस्पी और रेनी को बुरी तरीके से कोई शक्ति मार काट रही है। वो एक दूसरे कमरे में जाकर देखती है कि हैकी हैन और मिस्टर बेनी को मारिया भी वहां पर आकर नाडिया को उठाकर दीवार पर मारती है। मारनी यहाँ पर बताती है कि उसकी माँ भी मिस्टर बेनी के गंदे इरादों से उनको नहीं बचा सकती है और सीटी भी मेरी की ही बेटी है और आज वो सब यहाँ पर मरने वाले हैं। फिर एक हथियार मिस्टर बेनी के शरीर से निकालकर सीटी नाडिया को देती है। वो नाडिया चाहकर भी उस हथियार से मेरी को नहीं मार पा रही थी। अपने बच्चों को बचाने के लिए मारनी नाडिया से हैन को मारने को कहती है। हैन भी अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद मरने के लिए राजी हो गया था। तभी हैकी सीटी पर अटैक करता है और मेरी हैकी को मारने जा रही थी कि तभी नाडिया मेरी का सर काट देती है, लेकिन वो फिर से उठकर अपने शरीर पर अपना सर लगा लेती है और तभी नाडिया एक कैंडल उसकी तरफ फेंक कर उसे जिंदा जला देती है। मिस्टर बेनी उससे मदद मांग रहा था, लेकिन उसके पापों की सजा के लिए वो उसे वहीं पर छोड़कर निकल जाते हैं और मिस्टर बेनी मेरी के साथ में वहीं पर जलकर मारा गया था। अब कुछ दिनों के बाद में नाडिया जब हैकी को स्कूल में ले गई थी तो उसे अचानक मारनी दिखाई देती है और अनाथ आश्रम भी अब बिकने वाला था, लेकिन अभी भी वहां पर आवाजें गूंज रही थी, मतलब कि अभी भी ब्लैक मैजिक का जादू वहां से हटा नहीं था। दोस्तों, अनाथ आश्रम होते हैं बच्चों की हिफाजत और उनके रहने के लिए, लेकिन मिस्टर बोनी ने यहाँ पर अपनी हवस का गंदा खेल खेला। मिस मारनी को जब इस बात का पता चला तो वो उन लड़कियों को बचाना चाहती थी, लेकिन वो मिस्टर बोनी को सजा देने के लिए उन पर ब्लैक मैजिक कर रही थी और उससे पहले ही मिस्टर बोनी ने उन लड़कियों को जिंदा जला दिया था और उसने उल्टा मिस मेरी पर ही सारा इल्जाम लगा दिया था और इसीलिए वो एंड्रयू, जेफरी और हैन के हाथों मारी गई थी। मारनी सब कुछ देख रही थी और बदला लेने के लिए उसने फिर से उन लोगों को अनाथ आश्रम में बुलाकर उनके सामने उनकी असली सच्चाई रखी और एक एक करके सबको मारने लगी। बदले की आग में मारनी इतनी ज्यादा पागल हो गई थी कि उसने निर्दोष बच्चों और बच्चों को भी मार डाला था। अपनी माँ से मिली हुई ब्लैक मैजिक की शक्ति उसके पास में इतनी ज्यादा थी कि वो मरकर भी जिंदा हो गई थी और इसीलिए नाडिया को फिर से नजर आ गई थी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और मैं जल्दी ही आपके लिए एक और वीडियो लेकर आने वाला हूँ।